हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि। वेलकम टू माय चैनल मोदी एकेडमी। एंड टुडे आई विल बी टीचिंग यू पोएम फ्रॉम 9th ग्रेड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एंड द पोएम्स नेम इज़ द लेक अजाइल ऑफ इनिसफ्री, विच इज़ रिटन बाय विलियम बटलर रीस्ट। इट इज़ अ रियली ब्यूटिफुल एंड शॉर्ट पोएम रिटन बाय विलियम, डिस्क्राइबिंग द प्लेस ही लाइक्स वेर ही बिल्ड He wants to build a cottage which is very peaceful. वो जगह बहुत peaceful है, surrounded है greenery से, उसके बारे में यह poem है। और छोटी सी poem है but बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है। हर छोटी से छोटी चीज़ जो उन्हें वहाँ पसंद है देखनी, जो उन्हें बनानी है वहाँ पर, या फिर वो ऑलरेडी वहाँ पर है, कुछ एनिमल्स, इंसेक्ट, कुछ आवाज़ें, वहाँ पे पूरा जो एटमोसफियर है जो उन्हें बहुत पसंद है, उसके बारे में उन्होंने ये पोएम लिखी हुई है। आई होप यू ऑल एन्जॉय दिस पोएम। सो लेट्स स्टार्ट रिसाइटिंग द पोएम। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वॉटल्स मेड। तो ये जो लाइन है वो बता रहे, अराइज का मतलब है कि वो उठेंगे, उठ जाना, वेक अप, वो उठेंगे और चले जाएंगे वहाँ पर इनिसफ्री में, जहाँ पे एक स्मॉल कैबिन है, जहाँ पे क्ले से बनाया हुआ है। वॉटल्स का मतलब है जो फेंस होती है, उससे फेंस भी बनाई हुई है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक छोटा सा कैबिन, कॉटेज बना हुआ है क्ले से, मिट्टी से जो कैबिन्स बनता है यूजुअली, वो बात कर रहे हैं। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, अ हाइव फॉर हनी बी एंड लिव अलोन इन अ बी लाउड ग्लेड। तो वो बता रहा है कि वहाँ पे वो बाहर जो है वो 9 रोज में जो वेजिटेशंस है वो सारे प्लांट्स करेंगे, फ्लावर्स प्लांट्स करेंगे, और वहाँ पे एक बी हाइव भी होगा जो बीज बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फ्लावर्स है नेक्टर के लिए, सब कुछ है, जहाँ पे वो शांति से रहेंगे हनी बीज के पास, उनकी आवाज़ के नज़दीक, और अकेले रहेंगे वहाँ पे शांति से, पीसफुली, ये बता रहे हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस, पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। तो यहाँ जो है वो ये बता रहे कि वो जगह बहुत पीसफुल होगी, वहाँ पे बहुत पीसफुल नेचर के नज़दीक होगी, थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ें आ रही होंगी। और जो ड्रॉपिंग वेल्स का मतलब है, वेल्स जो होता है वो एक कर्टन की तरह होता है, पर्दा जिसे कहते हैं, पर्दा करने के लिए। तो वो बोल रहे हैं कि मॉर्निंग की वेल्स होगी वहाँ पे, फ्रेश ड्यूई मॉर्निंग्स होंगी, और वो जब उठेंगे तब उनका, उन्हें सबसे पहले क्रिकेट की आवाज़ सुनाई देगी, क्रिकेट साउंड्स जो होते हैं, पता है क्रिकेट की एक आवाज़ होती है जो हमें यूजुअली जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी होती है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, वहाँ सुनने को मिलती है। द मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड अ नून अ पर्पल ग्लो एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनन विंग्स। तो वो बोल रहे हैं कि जो मिडनाइट होगी वो बहुत ही ग्लिमरी होगी, बहुत ही शाइनी स्टारी होगी। यहाँ पे उनका रेफरेंस है ग्लिमर से, मतलब जो नाइट होंगी उनकी, जो स्काइज होंगे वो पूरे भरे पड़े होंगे स्टार्स से, बहुत ही ब्यूटीफुली शाइनी ग्लिमरी एटमोसफियर होगा वहाँ पे। और जो नून है, जैसे जब नून जाने लगता है और इवनिंग स्टार्ट होने वाली होती है, तब एक पर्पल ही ग्लो आता है वहाँ पे, पर्पल स्काई हो जाता है, कुछ ऑरेंजिश पर्पलिश उस तरीके का स्काई हो जाता है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है क्लाउड्स के साथ, और बहुत ही ब्यूटीफुल एटमोसफियर होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनन विंग्स, मतलब वो बता रहे हैं कि इवनिंग्स में कई सारे जो इंसेक्ट्स होंगे वो आसपास होंगे, बहुत खूबसूरत एटमोसफियर होगा, बर्ड्स कई सारे होंगे वहाँ पे, और सब कुछ ही एकदम ड्यूई होगा, खूबसूरत होगा, इस बारे में वो बोल रहे हैं। I will rise and go now for always night and day. I hear the lake water lapping with low sound of the shore. तो वो जो बोल रहा है कि उनका जो कॉटेज होगा वो एक लेक के नज़दीक होगा, और वो दिन रात वहीं पे रहेंगे, दिन रात उठ के वहीं पे रहेंगे, आसपास देखेंगे। और जो लेक को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि जो वाटर है वो लैप होगा
जो वाटर का साउंड उन्हें सुनाई देगा वो शोर पे आएगा धीरे धीरे। वाटर एक मूवमेंट होती है हमेशा लेक में एयर के वजह से, विंड की वजह से, उसका एक अलग ही साउंड होता है, वो सुनाई देगा। उसके बारे में बोल रहा है, व्हाइल आई स्टैंड ऑन रोडवे और ऑन अ पेवमेंट ग्रे आई हियर इट डीप हार्ट कोर। तो वो बोल रहा है कि ये जो उनका ड्रीम है वो उन्हें हर जगह पे सुनाई देता है, ये आवाज़ें उन्हें हर जगह सुनाई देती है, भले ही वो पेवमेंट पे खड़े हो या फिर रोडवे पे खड़े हो, कहीं किसी भी जगह पर हो, कितने भी क्राउडेड जगह हो, कितने भी खाली जगह, ये एक चीज़ जो उन्हें दिल से चाहिए, दिल से वो महसूस करना चाहते हैं ये जगह को, ये उन्हें हर बार याद दिलाती रहती है, हर बार उन्हें महसूस होती है ये चीज़ कि उन्हें कितनी ज़्यादा वो चीज़ें चाहिए, इतना पीसफुल रहना चाहिए, इतनी खूबसूरत सी कॉटेज चाहिए। और लेक के पास जो घर होता है वो हमेशा एक बहुत खूबसूरत व्यू होता है, हम जब भी लेक को देखते हैं, वाटर बॉडीज़ के नज़दीक रहते हैं तो हमें एक अजीब सा सुकून मिलता है, पीसफुल लगता है, उसी तरह की फीलिंग जो पोएट है वो चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने इस पोएम में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है उनका ड्रीम, वो कैसे चाहते हैं रहना। सो दिस वॉज द पोएम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।